जो पदयात्री हैं यात्रा करके आए हैं उन्हें अंदर लाया जाए, जो यात्रा करके पदयात्री पदयात्रा करके दरबार आए हैं सैकड़ों सैकड़ों किलोमीटर से पैदल चल के आए हैं वो सभी लोग दरबार में अंदर आएंगे। खुश है, खूब खुश है। इस बार पूरे सावन में, सावन चल ही रहा है अभी, इस बार 2 महीने का कार्यक्रम, तो बहुत पदयात्री दरबार से जुड़ करके 700-800 किलोमीटर की लंबी यात्रा करके पदयात्रा करके दरबार तक पहुँचे और दरबार पहुँच करके उन्होंने यहाँ पर आराधना पूजा किया कर संकल्प लेकर के चले कि हमें करौली शंकर महादेव के दरबार जाना है और दरबार ने भी उनको पूरा रास्ते पर साथ दिया। एक अद्भुत व्यवस्था है दरबार की, जो भी संकल्प करके चलता है दरबार के लिए पदयात्रा करके कि हम पदयात्रा करके पहुंचना है, उस संकल्प के करते ही पहला कदम उठाते ही दरबार की तरफ, दरबार की ओर से उसको 9 हवन के और आरोग्य हवन का एक पुण्य तत्काल मिल जाता ताकि वो सुरक्षित रहे और दरबार तक आराम से पहुँच सके। ये पुण्य उसको उसके परिवार को तत्काल मिल जाता है ताकि वह सुरक्षित यहाँ पर पहुँचे। और रास्ते पर इनको तमाम जो कष्ट होते हैं दरबार आते ही सारे इन लोगों के कष्ट समाप्त हो जाते हैं। तमाम बच्चे आते हैं पैरों में फफोले लिए हुए, छाले पड़े हुए, बुरी तरह से कष्ट में आते हैं बच्चे, लेकिन दरबार आते हैं और बाबा माता उन कष्टों को तत्काल हरण कर लेते हैं और सब नष्ट कर देते हैं कष्ट। तो सही बच्चे पदयात्रा करके भगवान भोलेनाथ के दरबार में पधारे हैं, माँ के दरबार में, तो उन सभी का स्वागत है। थैंक यू बेटा, धन्यवाद। तमाम ऐसे भक्त हैं जो यहीं से दरबार आते हैं, यहीं से अपना जल लेकर के जाते हैं, फिर वहाँ से जल भर के यहाँ आते हैं, यहाँ चढ़ाते हैं, श्रद्धा के अनुसार अपने अपने सब कार्य करते रहते हैं और दरबार के साथ जुड़े रहते हैं। तो आप सभी पदयात्रियों का बहुत बहुत स्वागत दरबार में, जो आप सब पधारे बाबा माँ के सम्मान में यहाँ तक पहुँचे। तो माइक निकालो। कहाँ से शुरू करी, कहाँ से पद यात्रा शुरू की बताएं अपना। क्या नाम बेटा? भारत नाम है। खुश हो बेटा। गुरुजी आपको कोटि कोटि बंदन प्रणाम और पूजनीय बाबा जी को प्रणाम। हम लोग गुजरात वापी से आए हैं। वापी से जी? ओ, आप सब लोग? नहीं, हम लोग 2 जन हैं। आप 2 लोग वापी से आए गुजरात से? हाँ। कितना किलोमीटर हो गया वहाँ से यात्रा? हम लोग गुरुजी सीधा रास्ता आए हैं तो 1350 किलोमीटर के समथिंग पड़ा है। ओ, क्या बात, बहुत सुंदर। 1350 किलोमीटर की यात्रा की है जी। सबसे लंबी पदयात्रा करने वाले पदयात्री हैं जिन्होंने 1350 किलोमीटर पदयात्रा की है। और 7 तारीख को दरबार आ गए थे रात में 12-12:30 बजे। 7 तारीख को आ गए थे। कब यात्रा शुरू की थी वहाँ से? 13 तारीख को निकले थे गुरुजी। यानी कितने दिन यात्रा की? 26 दिन लगे। 26 दिन लगे। 26 दिन में
1350 किलोमीटर की यात्रा की जी गुरु जी। बहुत खूब, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बधाई हो। आपका क्या नाम बेटा? चंदन गुप्ता। साथ में आए हो आप भी? जी जी। खुश हो, प्रसन्न हो आप बेटा? प्रणाम गुरु जी। खुश हो बेटा? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपने हमें बुलाया, क्योंकि हमारी तो औकात ही नहीं आने का। प्रभु का कृपा, बाबा का और आपका, क्योंकि हम जब चलें तो कहें कि हम कैसे जा पाएंगे, रो रहे थे। तो आप कह रहे थे तुम्हारे साथ दरबार है, चलो तुम्हारे साथ दरबार है, चलो। मतलब क्या बताऊं, कोई कुछ मतलब हमको तो रुकना था बस मंदिर पे, और पूछते थे कि मंदिर कहाँ है, कोई बोलता था 2 किलोमीटर, मेरे दिमाग में आता था, कोई लगता बोल रहा था, नहीं गलत बता रहे, 5 किलोमीटर यहाँ से है, तुम्हें यहाँ से 5 किलोमीटर जाना पड़ेगा, किसी ने गलत बता दिया कि वहाँ रुकना है, जाओ रुक जाओ। फिर मेरा आत्मा कह रहा था नहीं, वहाँ तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। फिर भी मैं अपने आत्मा को मार के गया, लेकिन मुझे एक्सेप्ट नहीं किया गया। बाद में 5 किलोमीटर आगे गया तो वहाँ मिल गया। एक और बात है कि मैं खाना खाने जाता था, शाम को खाना खाने जा रहा था, कुछ खा लिया जाए तो आत्मा से आवाज़ आ रही, यार वहाँ तुम्हें खाने को मिलेगा मंदिर पे। फिर मैं गया, प्रसाद आया, मैंने कहा पर खाने को तो कोई पूछा ही नहीं। फिर बाद में 10 मिनट के बाद कोई पूछ रहा है, चलो भोजन कर लो, जय हो। और एक और बात मैं कहना चाहूँगा, मैं चाहता हूँ माइक पकड़ लूँ एक बार, 2 पंक्तियाँ आपके लिए। दरबार हजारों देखे हैं, दरबार हजारों देखे हैं, पर ऐसा कोई दरबार नहीं। दरबार हजारों देखे हैं, दरबार हजारों देखे हैं, दरबार हजारों देखे हैं, पर ऐसा कोई दरबार नहीं। और जिस गुलशन में तेरा नूर ना हो, जिस गुलशन में तेरा नूर ना हो, ऐसा तो कोई गुलजार नहीं। दरबार हजारों क्या मांग, और दुनिया से भला मैं क्या मांगू, दुनिया से भला मैं क्या मांगू, ये दुनिया तो खुद ही भिखारन है, ये दुनिया तो खुद ही भिखारन है। क्यों? हंसाने की बात रुलाती है दुनिया, हंसाने की बात रुलाती है दुनिया, और जख्म देने के बाद नमक लगाती है दुनिया, और जीते जी दुश्मनी पूरी ना हो सके इन लोगों को तो मरने की बात जलाती है दुनिया। दुनिया से भला मैं क्या मांगू, ये दुनिया तो खुद ही भिखारन है, क्योंकि मांगेंगे अपने बाबा माता से, मांगेंगे अपने बाबा माता से, क्योंकि जहाँ होता कभी इनकार नहीं। दरबार हजारों देखे हैं। गुरुदेव, पहले से मैं जुड़ा था और मैंने कुछ गलती कर दी, इसके वजह से मुझे भोगना पड़ रहा है, और आपने मेरी गलती क्षमा किया, और मैं पूरा परिवार परेशान है। मैं एक सिंगर हूँ, 10 साल से प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन सब विफल, माइक पे डर लगता है, मुझे 10 साल से कष्ट है, मैं कांपता हूँ, पेशाब लग जाता है, अजीब अजीब तरह का। प्रभु मैं यही चाहूँगा कि अपने शरणों में कीजिए, मेरा जितना गलती है क्षमा करिए, आइंदा मैं प्रोमिस करता हूँ बाबा से, गुरु माता से, आपसे मैं ऐसा कोई गलती नहीं करूँगा। मुझे सिंगर बनना है, मुझे नाम करना है, लेकिन कैसे, आपके चरणों में रह के। खुश रहो बेटा। मुझे बहुत लगता है कोई गुरुदेव कोई मांस को काटता है, एकदम काला हो जाता है, नस नस दिखाई देता है परिवार में सब में, बस हमारी गलती क्षमा करें प्रभु। आज से सब अच्छा होगा, खुश रहो। क्या नाम है आपका? दीपक। खूब रोशन हो गए।
दीपक खूब रोशन होगा, रोशनी गुरुजी देगा। दीपक तो हूँ, मेरे घर में अंधेरा है, लेकिन मुझे उम्मीद है 100% अब उजाला हो जाएगा और मैं कुछ नया करूँगा। दुनिया में बहुत कुछ करना है मुझे, बस आशीर्वाद मिलता है। अभी अभी उसका प्रमाण मिलेगा जी। गुरु जी प्रणाम। गुरु जी से यात्रा शुरू की दीपक? देवरिया से। देवरिया से सर कितना किलोमीटर चला है गुरुदेव? देवरिया से यहाँ 440 था, लेकिन मेरा एवरेज था 30 किलोमीटर। मैं जब निकला घर से तो सारे लोग बोल रहे थे पकड़ा गया है क्या तू, जाएगा तभी होगा क्या, लेकिन नहीं, मुझे तो प्रभु सवार थे मेरे सर पे। मैं बोला, मैं रोने लगा। मैं एक तो 30 किलोमीटर एवरेज था मेरा, गोरखपुर मेरा पड़ता है 70 किलोमीटर। गुरुदेव मैं 9 बजे रात को एकदम थक गया, लेकिन हाँ चलने वाला मेरा दवाई आप ही थे। जब आपको नाम लेता था मैं चलता था, पाँव में छाली पड़ गए थे। और दूसरी बात, मैं एकदम थक गया। मैं कहा गुरुदेव क्या करूं, अब मैं चला नहीं जा रहा है, क्योंकि 10 किलोमीटर स्टेशन था। तो मैं माफ़ी मांगा और लगा कि गुरुदेव कह रहे हैं कि गाड़ी पकड़ लो और तुम चले जाओ, हम तुम्हें माफ़ कर दे। खुश रहो बेटा, गुरुदेव के चरणों में कोट कोट नमन प्रभु। खुश रहिए गुरुदेव। हम अहमदाबाद से आ रहे हैं। अहमदाबाद से पदयात्रा? हाँ, नहीं पदयात्रा नहीं की गुरुदेव। अच्छा। मैं वहाँ से आया, इटावा से चला अपने। अच्छा। माहिवा से। अच्छा। वहाँ का मैं रहने वाला हूँ, अपने गांव से चलूँगा गुरुदेव। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और आपके ही शिष्य हैं जो तंत्र दीक्षा लिए, मेरे जीजा जी। अच्छा। और दीदी जी। अच्छा। और मेरा एक भांजा भी तंत्र दीक्षे थे। हाँ। उन्हीं लोगों ने मुझे प्रेरणा दी और मैं 3-4 महीने से आप गुरमाता की और गुरुदेव की आरती करता हूँ सुबह शाम। उससे पहले तो मैं सुन फिरता था पागल की तरह, इधर उधर काम नहीं होता था। और लॉक का मिस्त्री हूँ, जो मेरे जीजा जी करते हैं कंप्यूटर लॉक का, वही मैं टेक्नीशियन हूँ गुरुदेव, और इलेक्ट्रिशियन भी हूँ। खुश हो बेटा। तो माइंड नहीं चलता गुरुदेव, काम बिगाड़ देता है। जब वहाँ आए तो मेरे जीजा जी के काम पर भी रोक लगा दी उसने, मतलब उनका भी काम बिगाड़ दिया। जो सामने से काम आता था वो भी मिलना बंद हो गया। सब अच्छा होता है। आप बेटा? तो गुरुजी प्रणाम, मैं इटावा से आया हूँ। आप इटावा से आए? जी सर। क्या नाम है आपका? दिसंबर है जी। दिसंबर। आप बेटा? मैं रवि कुमार गुप्ता। खुश। और मैं सूरत से आए हैं, रहने वाला जयपुर का हूँ। अच्छा। और हमारे भाई साहब हैं, इन्होंने हमें प्रेरणा दी कि चलिए वहाँ पे कुछ अच्छा होगा। तो कहाँ से यात्रा शुरू की? सूरत से। सूरत से चल के आए? सूरत से उज्जैन, उज्जैन से यहाँ। कितने किलोमीटर हो गया बेटा? लगभग 1400-1450 के लगभग। 1400-1450 किलोमीटर। ओह महाकाल, महाकाल से यहाँ। महाकाल से यहाँ। स्वागत है बेटा। आप गुरुदेव प्रणाम। खुश है। हम लोग सूरत से आए हैं, 3 लोग हैं। अच्छा, आप भी सूरत से हैं? हाँ जी जी। सभी लोग? हाँ, इन दोनों को मैं लेके आया हूँ साथ में मेरे। अच्छा। मैंने कहा गुरुदेव के वहाँ चलो, आप सबका अच्छा होना है। खूब खुश है। और 1450 किलोमीटर हम लोग आए, हमें रास्ते में कहीं पे भी किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं हुई। जहाँ बाबा माता के साथ है वहाँ कौन सी बाधा? बिल्कुल बिल्कुल, ये सत्य है। खुश है। आप बेटा? सर मैं हरियाणा रेवाड़ डिस्ट्रिक्ट से आया। अच्छा। खुश। हम 2018 से आपकी शरण में सर। खुश रहो बेटा। तो कितना किलोमीटर चल के आए? लगभग 520 किलोमीटर जी। 520। खुश हो बेटा। खुश। आप बेटा? नितिन अग्रवाल। आप कहाँ से? सूरत से आए। सूरत से। खुश। शंकर भगवान के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। खुश हो बेटा। सबसे पहले तो गुरुदेव मैं आपके लिए रतलामी सेब लेके आया हूँ, ये आपको बहुत पसंद है, तो मैं बहुत एक्साइटेड था कि ये सबसे ज़्यादा एक्साइटेड इसी के लिए था कि आपको ये दूंगा पहले। थोड़े बनाना चिप्स और हींग की सेब भी है। खुश हो आपको बेटा। काफ़ी पसंद है। थैंक यू बेटा। जी जी जी। बाबा को चढ़ा जी गुरुदेव। हाँ। मैंने गुरुदेव गुड़गांव से यात्रा चालू करी थी, तो चालू तो करी थी कि गूगल मैप से सीधा सीधा रूट से आएंगे और यहाँ पे। बट जो सद्गुरुदेव भगवान है वो एकदम रिमोट कंट्रोल से एकदम चलाते हैं पूरा यात्रा। जो हमने सोचा था वो हुआ नहीं। जिस दिन हम निकले थे उस दिन ही नू में दंगे हो रहे थे। 1 तारीख को हम निकले थे, तो जैसे ही हम सोना पहुँचे तो वहाँ पे काफ़ी तोड़फोड़ मतलब चालू हो गई थी, तो हम रात को फंस गए थे। तो वैसे ही देखिए 2 लोग हमें मिले, तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे एक धर्मशाला है वहाँ पे जाइए आप। तो हम वहाँ पे गए धर्मशाला में, जैसे ही तो वहाँ देखा कि 30 साल पुराना शिवालय, जो कि सैनी समाज के लोगों ने, तो उन्होंने काफ़ी स्वागत किया और उन्होंने काफ़ी किया।
फिर वहाँ से हम सीधा सीधा रूट से नहीं आ पाए गूगल मैप से, वहाँ से हम मथुरा चले गए। और संजोग फिर ऐसा बना है गुरुदेव कि हमें लग ही नहीं रहा था कि हम यात्रा कर रहे हैं, जैसे ये इंस्ट्रक्शंस मिल रहे हैं पूरे। मथुरा गए, फिर यमुना जी में स्नान किया, फिर बना कि यमुना जी का जल लेके आपके लिए जाएंगे, वो हो गया। फिर वहाँ से मैं जैसे ही मथुरा बस स्टेशन में पहुँचा तो वहाँ पे से दरबार की यहाँ पे सेवादार उनका फ़ोन आया, तो गुरुदेव तो है नहीं यहाँ पे, तो बोला तुम वृंदावन क्यों नहीं चले जाते। तो हम फिर वृंदावन चले गए, फिर वहाँ भ्रमण किया। तो वहाँ हमारी मुलाकात दो लोगों से हुई और दोनों 70 साल के, और अपने जीवन में लाइक एक 40 साल से साधना कर रहे थे और फंसे पड़े एकदम बिल्कुल। तो ऐसा लगा कि गुरुदेव बोल रहे हैं कि लाइक इनको दरबार के बारे में आप बताइए, तो उनको बताया। तो अब वो साधक आने वाले हैं यहाँ पे, 70 बरस के हैं, 40-50 साल से साधना कर रहे हैं लेकिन संतुष्ट नहीं है। और उनमें से एक जो 71 के IPS ऑफिसर रह चुके, 3 महीने पहले सुसाइड अटेम्प्ट किया, और वहाँ पे किन्होंने उनको लाइक उनके पास कुछ भी नहीं है, उनके पास फ़ोन नहीं है, कुछ नहीं है, सुसाइड अटेम्प्ट करके आश्रम में पड़े हुए हैं वहीं होटल में कहीं पे। उन्होंने उनको माला दे रखी है फेरने को कि आप माला करिए, दीक्षा ले लीजिए और आप यहाँ पे कमरा और आपको गद्दा फ्री है। तो फिर उनको भी हमने बताया। लेकिन गुरुदेव अब हमारा यहाँ पे एक वो भी है कि जैसे हम दरबार की महिमा के बारे में उनको बता रहे थे, तो उनके जो कष्ट हैं वो हम पे भी खींचे, और हमारी भी जो है वो थोड़ी करुणा जो होती है, अभी बताया था ना, सुना ना जी, किसी के प्रति आपके अंदर करुणा आती है तो उसका थोड़ा भाग खींचता है जी, खींचता ही है। लेकिन एक संकल्प कर लो तुरंत जी कि कुछ भी आ गया हो मेरे अंदर, स्मृति बाबा वो भी नष्ट कर दी जाए गुरुदेव। लेकिन हमें जो स्वप्न आया है और उसके बाद से जो हमारी पूरी कुंडलिनी जहाँ पे होता है पूरा, आई डोंट नो, स्पाइन पूरा सब, हम 3 दिन पूरे फ्लैट रहे हैं, कैसे आए हैं यहाँ पे कुछ तो ये आपके पुण्य जागृत हुए। ओके ठीक है ना, अच्छा गुरुदेव, हाँ बहुत ही अच्छा है जी। आपकी कुंडलिनी हिलोरे मार रही है, सभी की कुंडलिनियाँ हिलोरे मार रही है जी, ठीक है ना जी। तो वो भी समय आ गया है कि आगे बढ़ा जाए उस रास्ते पे, हैं जी। तो अच्छा है बेटा, आप सभी लोग दरबार आए, इतनी लंबी पदयात्रा करके आए, आंखें बंद करें आप लोग, आप सभी लोग, सभी पदयात्री अपने नेत्र बंद करेंगे, ओम, अपने अपने हृदय में भगवान भोलेनाथ को पुनः से ध्यान करें, शक्ति स्वरूपा माता कामाख्या को प्रणाम करें, परम पूज्यनीय बाबा जी को प्रणाम करें और गुरु माता जी को प्रणाम कर लें। ओम ओम इस सभी पदयात्रियों को दरबार की ओर से एक दिवसीय हवन के पुण्य को प्रदान किया जाए। ओम शिव, सभी को एक एक दिवसीय अनुष्ठान का पुण्य प्रदान किया जाए। बैलेंस सक्रिय संगा ओम, दरबार के सारे संकल्प इनके संकल्प बना के पूर्ण कर दिया जाए, सभी के मारा नष्ट कर दिया जाए और नष्ट, सब गंदगी नष्ट। सभी जो अघोरी हैं अघोरियों के प्रभाव सब मेरे शमशान में भेज दिया जाए, शु प्रवेश दिया जाए सब गरीबों को। बैलेंस 5 बार बोले ओम नमः शिवाय,
दोनों हथेली रगड़ के अपने नेत्रों पर रखें, ऐसे 5 बार करें और धीरे धीरे अपने अपने नेत्र खोल दें। इन सभी के अदृश्य बंधन लगा दिए जाएं कमर में दरबार के। शिव बैलेंस, अपने अपने कमर पर 5 बार ओम नमः शिवाय बोल के हाथ मार लें। यह अदृश्य बंधन लगा रहेगा सदैव, स्वच्छा करेगा। तो आप सभी को दरबार ने एक दिवसीय हवन का पुण्य प्रदान किया है। आप अपने परिवार के सदस्यों को संकल्प में शामिल करके और कल प्रातः संकल्प में शामिल होंगे आप सभी लोग, ठीक है। सारे संकल्प करेंगे एक दिवसीय इन सब के साथ बैठ करके, ठीक है। प्रसाद दो सबको, सभी का सबका रहने खाने का इंतजाम है यहाँ ठीक से हैं? ठीक ठीक बढ़िया, सबको प्रसाद दो। खुश रहो बेटा, प्रसन्न रहिए आप सब लोग, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए, खूब आनंद करिए। हरि हर। प्लास्टिक ठीक रहेगा जी है। सबसे बढ़िया और दूसरे काम में खुश हो बेटा। गुरु जी मुझे 2500 रुपये रास्ते में बहुत सारे भक्तों ने ये दिया है और वो गुरुदेव के लिए दिया है, तो कहाँ चढ़ाएं? बाबा जी के लिए बेटा, ब्राह्मणों की पेटी जो है ना सामने संकल्प वाली जी, उसी में डाल देना जी। ठीक है, खुश हो बेटा, प्रसन्न हो। सभी लोग कल संकल्प करेंगे ध्यान से बैठ करके, यहाँ जब एक दिवसीय संकल्प होगा सुबह आ करके सभी लोग करेंगे और फिर हम आप सबसे मिलेंगे एक एक करके, ठीक है। कल सुबह हम फिर आप लोगों से एक एक करके मिलेंगे, ठीक है। खुश हो, हरी हर बेटा, प्रसन्न रहिए, मस्त रहिए।